बेगमगंज हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। ग्रामीणों ने लगाए घटिया निर्माण के आरोप। पंचायत द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर भवन का किया जा रहा है घटिया निर्माण, ग्रामीणों में आक्रोश। ग्राम पंचायत गांव के विकास की अंतिम कड़ी होती है, जहां से अंतिम छोर तक के व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाता है और ग्रामीण में अधिकांश जनहित के लिए निर्माण व विकास कार्य ग्राम पंचायत द्वारा ही किए जाते हैं। लेकिन सुल्तानगंज ग्राम पंचायत के द्वारा शासन की मंशा को पलीता लगाया जा रहा है। हम आपको बता दें, ग्राम पंचायत के चुनाव के बाद सुल्तानगंज ग्राम पंचायत का पहला निर्माण कार्य 4 लाख रुपए की लागत से कॉमन सर्विस सेंटर से किया जा रहा है, जिसके निर्माण में मापदंडों की अनदेखी करते हुए मन मर्जी से ग्राम पंचायत के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर 12 mm के मापदंड के अनुसार 12 mm का सरिया लगाया जाना था, लेकिन भवन निर्माण में 10 mm का सरिया लगाया जा रहा है। भवन के पिलर की जमीन की गहराई 4 फीट होना थी और उसके नीचे सरिया का जाल बिछाकर रेत सीमेंट गिट्टी का मटेरियल लगाना था, लेकिन मापदंड अनुसार ना तो पिलर की गहराई की गई है, ना ही भवन में 12 mm का सरिया लगाया जा रहा है और सीमेंट भी मटेरियल से कम लगाई जा रही है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीण उच्च स्तरीय भवन की जांच कराने की मांग कर रहा है। निर्माण कार्य चल रहा है, इसमें ग्रामीण घटिया निर्माण का आरोप लग रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? ग्रामीण जो आरोप लगा रहे हैं, मैं उसको सही तो नहीं कहूंगी, लेकिन काम सही चल रहा है। थोड़ा बहुत अगर कहीं कुछ गड़बड़ियां हुई होंगी तो हम उसको मटेरियल टेस्टिंग के लिए पहुंचा देंगे, लेकिन देखने में तो मतलब पहली बार मैं देख उसको मतलब देख करके कोई भी ये नहीं कह सकता कि घटिया निर्माण कार्य है। थोड़ा बहुत रेशियो का मैंने इनसे पूछा था कि क्या रेशियो ये चला रहे, तो थोड़ा सा रेत ज़्यादा मिली, एक तगाड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक तगाड़ी का थोड़ा अंतर आया, लेकिन निर्माण कार्य ठीक है, गुणवत्तापूर्ण है, उसको हम गुणवत्ताहीन नहीं कह सकते हैं।